Is it safe to just go this area? No problem. It's dangerous. Dangerous. Funny. Sir. तरह आना काट तो टोरी जाते हैं. No, no. We'll see. Okay. अभी यहाँ पे ना जब इस एरिया में एंटर होने लगे थे तो एक पुलिस वालों ने बिल्कुल स्टॉप लगाया हुआ था. वहाँ के पुलिस वालों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ से आगे अपने जिम्मेदार आप खुद ही हो, अपनी मर्जी से जाना है. तो नहीं तो they don't hit people, but when they get a dead body, they play with it. ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक गैंग होता था जो डेड बॉडीज ढूंढते थे या लोगों को खुद मार देते थे और फिर उनका सर काट के उसके साथ फुटबॉल खेलते थे. It's good. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हेयर. आज मैं स्टिल युगांडा. कल मैं युगांडा पहुंचा था मेरे पिछले वीलॉग में, तो तब मैं रुका था जिंजा सिटी. तो जिंजा सिटी एक्चुअली जो इनका कैपिटल है कंपाला, उसके बिल्कुल पास ही है. वो जो इलाका ना वो काइंड ऑफ डेवलप्ड है, मतलब वहाँ पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, क्योंकि कैपिटल भी है और वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है. आज का जो मेरा स्पेसिफिक प्लान है ना, वो ये है कि मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे. मतलब उस साइड पे रेयरली शायद कोई बंदा जाता होगा, स्पेशली जो टूरिस्ट इस साइड पे आते हैं. वो बिल्कुल बैकवर्ड इलाका कह लें, मतलब वहाँ पे कोई फोकस नहीं है. वहाँ पे अभी भी लोग उसी तरह ट्राइब्स में, उसी तरह झोंपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई फोकस है और ना पे वहाँ किसी किस्म की डेवलपमेंट है, और ना ही कोई ऐसी रीज़न इनके पास है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने की. तो मेरा वहाँ पे जाने का मकसद ये है क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स हैं. ये हिसाब लगा लें कि 100-200 साल पहले जिस तरह लोग इस इलाके में रहते थे, उस इलाके में लोग अभी भी उसी तरह ही रहते हैं. तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा एक्चुअल मकसद इस सारे टूर का कल्चर है, और अगर कल्चर में आपको ट्राइब्स मिल जाएँ जो लोग ट्राइब्स में रहते हैं, अमेजिंग. तभी निकलते हैं. ये गाड़ी है और ये पीछे जो भाई अंदर बैठे हुए हैं ये ड्राइवर है. इनके साथ आज का मेरा सारा सफ़र, आज का नहीं अगले 2 दिन का सफ़र होगा. You going to eat me? Like you? Yeah. Eat, yeah? Yeah. Okay. I'm going to restaurant, yeah? Regular and the This is banana. Banana. This is the potato. This is... Beef. Oh, bhai! मारो मुझे मारो. Beef and potato. Yes. ज़िंदगी में ना पहली दफा बनाना का सालन खाने लगा हूँ. वैसे तो सोच के ही मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होती केलों का सालन, लेकिन मैं कहा युगांडा में अब ये ट्राई करना तो बनता. सोचने में थोड़ा बुरा लगता है, बस आलू की तरह का टेस्ट है. मतलब क्योंकि कच्चे बनाना इसके पकाते हैं तो मीठा टेस्ट बिल्कुल नहीं है. जिस तरह हम आलू खाते हैं ना उसी तरह का टेस्ट है बनाना का. थैंक यू. दिस इज मसाला टी और द मिल्क मसाला टी. मसाला स्पाइस टी है. मैंने मसाले का भी पता नहीं है. हनी प्लीज. चाय भी आ गई जी. दूध के अंदर कुछ शायद इनके अपने लोग को जो स्पाइसेस है वो थोड़े से डाल के बॉयल किया होगा. दूध जैसे ही जाएगा बस ठीक ही है. Is there, huh? Yeah. It's not good. It's not good. That's it, that's it. That's it, huh? It's dangerous. Not dangerous, but you are shot, huh? Yeah? It's not good, but it's the free, yeah? कहना चाह रहे हैं कि कपड़े नहीं पाते तो चंगे लोग नहीं, ना जाओ उधर. असल गेम तो अभी शुरू हुई है. अब यहाँ पे एस्फाल्ट रोड ख़त्म हो गया और अभी हमारे 200 किलोमीटर पड़े हैं.
यहाँ से आके सारा इसी तरह का रोड चलना है मरोटो तक। और मरोटो वो जगह एक्चुअली जहाँ मैंने होटल देखे हुए हैं कि कहाँ पर जाकर रुक सकते हैं, और अभी जो हमने जगह विजिट करनी है वो शायद उससे भी आगे होंगे। वैसे एक छोटा सा रिस्क है ऐसे इलाकों में जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस कम होता है तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी कम होती है। यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे भी सर्वाइव करते हैं, गवर्नमेंट का लेना देना यहाँ पे कम ही होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं यहाँ पे क्या हिसाब किताब होगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप किसी से पंगा ना करें तो कोई आपको भी तंग नहीं करेगा। एक दूसरा मसला भी है कि इस तरह के लोग क्योंकि टूरिस्ट के यूज़ टू नहीं होते, तो मैं अफ्रीकन भी नहीं लगता, उनका रिएक्शन पता नहीं किस तरह का होगा, बट लेट्स फाइंड आउट। Is the kind of majongo, eh? Yeah. Yeah, it's not discipline. No discipline? Yes. Fighting, eh? अच्छा अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इट्स मिडल ऑफ नोवेयर, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ड्राइवर जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हम काफ़ी नॉर्थ में आ गए हैं युगांडा के। अभी यहाँ पे ना जब इस एरिया में एंटर होने लगे थे तो एक पुलिस वालों ने बिल्कुल स्टॉप लगाया हुआ था। वहाँ के पुलिस वाले ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ से आगे अपने जिम्मेदार आप खुद ही हो, अपनी मर्जी से जाना है। तो वैसे मैंने उसे पूछा था मैं कितना डेंजरस आगे जाना। वन क्वेश्चन, इज इट सेफ टू जस्ट गो दिस एरिया, नो प्रॉब्लम? तो कहता दिन के टाइम तो ठीक है, कोई इतना खास मसला नहीं होगा, लेकिन रात को डेंजरस है ये इलाका इससे आगे। अब मैंने एक होटल सोचा हुआ है, एक छोटा सा टाउन है उसके अंदर, उम्मीद है कि काम ठीक रहेगा उस होटल में, तो सेफ ही होंगे। तो अभी दिन के टाइम आप पहुँच जाएंगे, थोड़ा और इलाका एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे अगर कोई विलेज सेफ लगा कि इस विलेज में जाना सेफ है तो जाकर वो विलेज भी विजिट कर लेंगे, तो वरना आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। यस सर, यल्ला यू गो? या ओके, ऑफ कोर्स वी आर सो फार सो वी हैव नॉट भाई डेंजरस मेरे ना ज्यादा तरह तो मेरे ड्राइवर का निकले है, कहता इतने रात को ना सोइए, थोड़ा जहा इलाका वेख के तो वापस चलते हैं जिधर से आए हैं, तो इस इलाके से पीछे जाके कहीं सोते हैं। बाहर जो भी ये ट्राइब वाले या गांव वाले जो कहीं भी बैठे हुए हैं ना, हमें देख कर शोर डाल रहे हैं। मोरोटो पहुंच गए, बड़ी स्ट्रगल के बाद ना फाइनली मोरोटो पहुंच गए। नॉट दिस वन, दिस अनदर वन। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको अपना लग्जरी रिजॉर्ट दिखा दूं। ये पूरे का पूरा रिजॉर्ट है, यहाँ बैठ के आप चिल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जब एंटर होते हैं ना, सबसे पहले मिलता है आपको सिटिंग रूम। वैसे भी मैंने पर्दे खोले हैं तो दो छिपकलें नीचे गिरी हैं, अभी नीचे बैठी होंगी कहीं पे। फिर आगे आएंगे तो ये आपका खूबसूरत बेड, और यहाँ से भी एक छिपकली गिरी थी, ये दूसरा मैंने फिर खोला ही नहीं है। मैंने कहा हर पर्दे में एक छिपकली है तो चले एक बेचारी सोई रहे। उसके बाद फिर अगर आप बाथरूम में जाते हैं, ये बाथरूम है, ये शावर है, और ये शैम्पू और साबुन पड़ा हुआ है। ये सिटिंग एरिया आपका,
अगर बैठ के अपने को पढ़ना छढ़ना हो यहाँ पे उसके लिए, तो ये लग्जरी रिजॉर्ट है। और अगर आपने इतना लग्जरी नहीं जाना जो मैं नॉर्मली नहीं जाता, तो ये सामने आप टेंट भी हायर कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा टेंट आपका। बहरहाल सारी कंप्लेनें अपनी जगह, अच्छी चीज़ ये है कि जगह मिल गई रहने के लिए, वरना तो यहाँ से वापस भागने का प्लान था। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दीज टेंट्स कि इसके अंदर क्या अरेंजमेंट है, पता करते हैं अगर ये हमें दिखा सकें एटलीस्ट। या परफेक्ट। इज इट अ स्पेसिफिक ट्राइब और जस्ट अ विलेज इन द एरिया? जिस होटल में रुका हुआ ना, यहाँ पे हमें एक बंदा मिल गया, कह रहा है कि मैं आपको एक गांव यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ 10-15 किलोमीटर के फासले पे बता रहा है। अब इसके साथ जाएंगे गांव शो विज़िट करते हैं, कि खुद जाके वो गांव विज़िट करने में ना अभी तक मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि खुद नहीं जाना चाहिए, लोगों का मुझे नहीं पता यहाँ पर उनका रिएक्शन और सारा कुछ कैसा होगा। तो इसके साथ चलते हैं, तो जाके भी देखते हैं। जो मेरे साथ ड्राइवर है ना, अभी भी इसी कश्मकश में है कि कितना सेफ है इस ड्राइव में जाना। उसको बार बार पूछ रहा है कि मुझे मारेंगे तो नहीं, कुछ कहेंगे तो नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं तो देखने ही आया हूँ, एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। और ये बेचारा सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि ये इलाका काफी बदनाम है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सी गन्स होती थी और गन्स बहुत आम थी। भाई कह रहा है 7-8 साल पहले यहाँ पे आते ना, तो हर बंदे के पास गन नजर आई थी, जैसे लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए हैं। तो हम लोगों से इस तरह लड़ाई करते थे, किसी की भैंस छीन ली, किसी गाय छीन ली, और वही हमारा खाना छाना होता था। लेकिन अब हम शरीफ हो गए पिछले 5-7 सालों से। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक गैंग होता था जो डेड बॉडीज ढूंढते थे या लोगों को खुद मार देते थे, और फिर उनका सर काट के उसके साथ फुटबॉल खेलते थे। And also they have still of the same kind, but they actually it's a group of only few people, not all people. ये तो सारे देख रहे, कूर रहे हैं, कूर भी अंज रहे हैं जंज। मैंने ना कुछ बिगाड़िया, वो पीछे सारे देखे, हर बंदा घूर रहा इधर। No problem. Now he's shouting, "Where's saying go?" It's not saying go, but he's telling me next time when you are bringing visitors, you should bring to their family, their community also. But are you sure he's saying everything is fine, or you are just making us feel good? No, everything is fine. Maybe you are just saying that we don't get scared or something. अच्छा भाई ना गुस्से हो रहा है एक चाचा के, भाई तू बंदे लेके आया किधर है? ये जो लड़का है ना, एक्चुअली ये वहाँ पे काम करता है जिस होटल में, लेकिन शुक्र है ये हमारे साथ है, वरना यू नो पीपल आर वेरी अग्रेसिव सीम। सो दिस इज द एंट्रेंस फॉर विलेज। या सो दैट वाज अ डिफरेंट विलेज, दैट वाज द डिफरेंट विलेज, दैट द अदर वन वाज अदर वन, देयर इज बट बिफोर हम रोक केला के जगह अच्छा लगा भी तेरा व्हाट भाई केला के दे मैं तो केला के दे। Yeah, actually they work in military? Sorry? They work in military? Yeah, no. It's just a shot. That's okay. He's a warrior. Warrior? He lives in the village, a local person, yes. To be honest, comfortable nahi bahut zyada yahan pe, lekin chalo. This one family, one compound. Ah, so it's actually a nuclear family. That's why it is smaller as you can see. Yeah. Yeah. So it's for one family. Ajoka. Hey, Ajoka. Hey. Yeah. Hey, Ajoka. Mata. Yeah. Ajoka noi. Yeah. Hello. Hello. Ajoka. देरूफ, देरूफ। बहुत छोटी जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये हट इनके छोटे छोटे ही हैं, अंदर खड़े होना तो मुश्किल ही है। पर ये उनका किचन, ये सिटिंग रूम है, यहाँ बैठ के अपना चिल कर रहे हैं यहाँ के लोग। व्हाट शी इज मेकिंग, व्हाट शी सेइंग, व्हाट यू डूइंग इज एक्चुअली मेकिंग
not making, let me say, is preparing the first stage, the first process of beer. यहाँ के जो tribe के लोग हैं यहाँ इस इलाके के, वो beer बहुत ज़्यादा पीते हैं, बल्कि इनको कभी खाना नहीं भी मिलता, तो खाना हो ना हो beer ज़रूर होती है, कहते हैं beer से एक तो energy आती है, दूसरा इनका कहना ये है कि अगर beer से वाइस होते हैं, ये connection बनाते हैं लोगों के साथ, मतलब जब beer पी रहे होते हैं इकट्ठे मिलके सारे, तो इनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, पर बियर पी के कहते हैं हम ज्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट है, इसलिए बियर ये काफी पीते हैं और हर घर में हर रोज बियर बन रही होती है। हेलो हेलो थैंक यू वेरी मच या ऑफ कोर्स। अभी इसलिए इतना खुश हो रहे थे कि मैंने थोड़े से पैसे दिए हैं, तो पैसे देख के बड़े खुश हुए, मतलब इनके पास पैसे तो होते ही हैं। I'm sure you don't know. Of course. It's actually blessing you in the future to have a lot of children, to have a lot of wives, to have a lot of money, to have a lot of cars, to have a lot of planes, to have a lot of things that you like. Thank you. Yeah, a lot of things that you really like. That's good. Yeah. How many wives do you have? How many wives here? How many better wives? Ane. How many? Three. And children? How many are you? How many are you? Three. 22. Two children? 22. 22. 22? Yes. 22 children. Mzee Ojoka. Eh, jongo noi. Eh, Ojoka. Jongo noi. एक और घर विजिट करने लगे हैं। अरे क्या बोले? और बोलिए। आई अरुआ। अरुआ। अपना अपना। You know they are going for visits. अच्छा इनके कल्चर में ना शादी का जो सिस्टम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे अगर कोई लड़की लड़का किसी को पसंद करते हैं ना, तो लड़की हमेशा ना करती है कि मैंने शादी नहीं तुमसे करनी, तो फिर उसको उसके बाप के पास या उसके पेरेंट के पास जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम कितनी काउज दोगे हमें पेरेंट्स को ताकि हमारी बेटी को तुम लेके जा सको, तो फिर किसी एक कंपटीशन होता है, मल्टीपल ज़्यादातर लोग होते हैं लड़के होते हैं जिन्होंने शादी करनी होती है सेम औरत से सेम लड़की से, तो फिर ये है कि जो ज़्यादा काउ देता है तो उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। दिस इज कॉर्न। या दिस कॉर्न एंड बीन्स। बीन्स है। सो हियर दे स्लीप। या दिस वेयर दे स्लीप। ओके ऑन द ग्राउंड। नो we are use our cow skins. Cow skins on the yes, ground. Yes, cow okay. skins. Or else if your cow skins are old, you can buy a mat like this one. Like yeah. Now, but otherwise the majority uses cow skins. To cow skin. Okay. But there's nothing soft, no foam, no. No, just cow skin. Cow skin yeah. on the ground. Yeah. Okay. And when you are sleeping. Yeah. Men have to make sure they stay awake. Like they use hard pillows. This one can be headrest. Or sit on your outside there with other men. Okay. But also you can sleep on it at night. You make your head to rest here. So that you anytime when you maybe turn to your side, the other side, you feel hard. Okay. So that you make sure people are protected. So the men use this? Use this. Okay. Yes. So when they turn, they wake up and then they see everything is okay and then sleep again. They sleep again. Okay. In fact, they even sleep halfly like in shifts. Yeah. Okay. Most especially in the crowds, even in the village. Yeah. Okay. Yeah. But for women, they have to rest. You also drink blood from the cow? From the crowd. Yeah, from the cow. But also here is done. इस tribe के लोग जानवरों का खून भी पीते हैं। मतलब खाना देने को हर दफा मयस्सर नहीं होता। तो फिर जानवरों का थोड़ा सा खून निकाल के उसे दूध में मिक्स करके पीते हैं। बस दूध में भी एनर्जी होती है, लेकिन सिर्फ आप दूध पर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दूध में खून मिक्स करते हैं। There are no other meals that are prepared. So they take the blood from the cow. From the cow and milk. Party. Yeah, this is beer. Oh, they are drinking beer.
अच्छा यहाँ बियर चल रही है, कह रहे पार्टी चल रही है हमारी। Yeah, beer. They are saying you are most welcome. That's why they are saying you are doing like this. They are saying you are most welcome. And if you feel like want to drink, no. You can try. तो ये लड़का मिलेगा ना? अभी ये बता रहा था कि यहाँ पे ना पार्टी इनकी चल रही है। ये पीछे बियर बना रहे थे ना, होममेड बियर ही होती है, क्योंकि बियर उन्होंने सेंटर में रखी हुई है और इर्द गिर्द सारी औरतें बैठी हुई हैं और साथ बारी बारी मुंह लगा के बियर पी रही हैं, तो इनकी पार्टी यहाँ पे हो रही है। अच्छा यहाँ पे पार्टी चल रही है, इसलिए चल रही है कि ये ना घर का स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, ये घर बना रहे हैं, तो ये जब सारे जो गाँव के बाकी लोग हैं वो भी आप पे हेल्प करते हैं जब आप उनके लिए बियर बनाते हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे घर बन रहा है तो यहाँ पे बियर भी बनेगी, बियर भी मिलेगी, तो सारे लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो ये अभी इन्होंने सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर कट्ठा खड़ा किया है, लकड़ियाँ लगा कर उसको बांधा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला इसका मामला है ये इसको बाद में उस पर करेंगे, तो इस तरह अंदर फिर इसकी मट्टी भी लगाएंगे, तो फिर ये घर पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा गांव हेल्प करता है। इन दैट केस के अगर आप सबके लिए बियर बनाए, लेकिन इस काइंड ऑफ देयर ट्रेडिशन कि जब घर बन रहा होता है तो सारे बियर भी बना लेते हैं ताकि बाद में पार्टी भी हो। अच्छा इनका ना ट्राइब का इसका एक कल्चर है कि दिन में 3 दफ़ा इस तरह ना डांस करते हैं, उसके बाद जंपिंग करते हैं अभी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, और दिन के आखिर पर ज़रूर करते हैं, बाकी 2 टाइम कभी कभी स्किप भी कर देते हैं, तो दिन के आखिर पर ये ज़रूर करते हैं क्योंकि इनका दिन सक्सेसफुली राउंड अप हो गया, दिन ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद अब ये बैठ के अपनी बियर शेयर पियेंगे, अपना खाना छाना खाएँगे, तो इस तरह अपना दिन एंड करते हैं। तो बाकी ये बता रहा था कि जब चांदनी रात होती है ना, 14वीं की रात, उसे काफ़ी बड़े ये साथ के जो और भी छोटे छोटे गाँव हैं ना इस कबीले के, वो सारे इकट्ठे होकर तो कुछ 100 मतलब जो नंबर बन जाता है इन लोगों का, तो ये सारे इस तरह डांस करते हैं, उस डांस पे आप जाके ना किसी भी लड़की को प्रपोज कर सकते हैं, मैं तुमसे शादी करनी है, तो उसके बाद का प्रोसीजर तो अलग है, लेकिन ये है कि वो मौका होता है जिसपे ये चूज़ करते हैं अपना पार्टनर कि मैंने शादी किससे करनी है। ये भी लड़का जो मैं ये दिखा रहा है ये ट्राइब, उसकी शादी भी ऐसे हुई थी, कहता मैं भी इसी तरह 14वीं की रात जब चांद की थी तो वहाँ पर जाकर मैंने लड़की को प्रपोज किया था, फिर उसके वालदैन से बात की, बाकी थोड़ा प्रोसीजर, तो इसने भी अपनी वाइफ एक्चुअली वहीं से चूज़ की थी। बहरहाल दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू रिलीज देयर स्ट्रेस। यू कुड गो इन द मिडल, गो इन द मिडल। They will not eat you anymore. उनकी पार्टी तो देर तक चलनी है, हम यहाँ से निकलते हैं। हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू, हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू, अप टू 7। व्हेन वी वर गोइंग ही वर सेइंग आई डोंट वांट टू गो, नाउ ही लाइक इट। मैंने इस लड़के से ये भी पूछा कि बाकी का जो युगांडा है वो ग्रो कर रहा है, जो ट्राइब्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लोग सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, तो आप लोग सिटी की तरफ क्यों मूव नहीं करते, ये जो बाकी की फैसिलिटीज़ बाकी मुल्क में अवेलेबल हैं वो आप यूज़ क्यों नहीं करते? लाइक इफ यू टेल दिस पीपल नाउ
okay, I want all of you to stay in maybe permanent houses. I put a permanent house here, then 10 of you can stay in the house. After a time when they will want to migrate, they will leave the permanent house there. तो इसका कहना ये था कि जो हमारे लोग हैं, इस ट्राइब के लोग हैं, उस एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते क्योंकि हम आदि हैं माइग्रेट करने के, झोंपड़ियों में रहने के। तो हमें सहूलियात मिल भी जाएं तो हम वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। Where some of them actually decided to put up some simple structures where they thought they could go and poo-poo. But still in our culture they say if a woman uses the toilet for helping herself, she will stop producing. That's why we don't have toilets here. Anytime when you feel like to pee, poo-poo, bush toilet, you go to the outside there. बहरहाल overall experience is amazing. बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। और ये concept है कि tribe के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, तो उसकी भी थोड़ी समझ आ गई कि इन लोगों को ना तंग करो तो ये भी आपको तंग नहीं करेंगे। और बाकी जो इनकी हॉस्पिटैलिटी, दैट वाज अमेजिंग।